गाड़ी सेल करते समय उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे और वो गाड़ी किसी क्राइम में इन्वॉल्व होगी या किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होगी तो पुलिस नंबर से नाम और एड्रेस निकालकर सबसे पहले आपके पास आएगी और आप एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसी तरह से अगर आप गाड़ी की ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे और गाड़ी का कहीं पर चालान कट हो जाता है तो वो चालान भी आपको भरना पड़ेगा। इसी तरह से गाड़ी का टैक्स भी आपको भरना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए गाड़ी सेल करते समय उसकी ऑनरशिप जरूर ट्रांसफर करनी चाहिए। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। ऑनरशिप ट्रांसफर करने के लिए आपको टोटल 12 डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। फर्स्ट है फॉर्म 29, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको डाउनलोड करना है और इसको फिल करना है। यहाँ पर रजिस्टरिंग अथॉरिटी का नाम डालना है, यहाँ पर बेचने वाले का नाम, उसका पूरा एड्रेस, यहाँ पर डेट, यहाँ पर ईयर और यहाँ पर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर उसका मॉडल नंबर, यहाँ पर चेसिस नंबर, नीचे यहाँ पर खरीदने वाले का पूरा नाम, यहाँ पर उसके फादर का नेम और यहाँ पर उसका पूरा एड्रेस डालेंगे। सेकेंड फॉर्म है फॉर्म 30, इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये भी आपको फिल करना है। सबसे पहले रजिस्टरिंग अथॉरिटी का नाम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर ट्रांसफरर का नाम जो ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ पर उसका फादर नेम, यहाँ पर फुल एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर डे आ जाएगा, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर जिसको बेच रहे हैं ट्रांसफरी उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पर उसका फादर नेम, यहाँ पर उसका पूरा एड्रेस आ जाएगा। नीचे आएंगे यहाँ पर ट्रांसफरर मतलब जो बेच रहा है उसका सिग्नेचर आ जाएगा और यहाँ पर डेट। इसी फॉर्म में पार्ट 2 है, इसमें ट्रांसफरी यानी जो खरीद रहा है उसका नाम आ जाएगा, उसके फादर का नेम आ जाएगा, एज, फुल एड्रेस, डेट, ईयर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर फुल एड्रेस। नीचे आएंगे यहाँ पर डेट और यहाँ पर ट्रांसफरी यानी जो खरीद रहा है उसका सिग्नेचर। थर्ड डॉक्यूमेंट है RC यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप डुप्लीकेट RC निकलवा सकते हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। फोर्थ डॉक्यूमेंट है इंश्योरेंस पॉलिसी, ट्रांसफर करने के लिए आपके पास एक वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। फिफ्थ डॉक्यूमेंट है PUC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट हर एक स्टेट में नहीं मांगा जाता है लेकिन जिस स्टेट में मांगा जाएगा वहां आपको देना पड़ेगा। सिक्स्थ डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों का पैन कार्ड लगेगा, अगर किसी एक के पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। सेवेंथ डॉक्यूमेंट है परचेज करने वाले का बर्थ प्रूफ, जिसमें वो अपनी मार्कशीट, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड या अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकता है। एट डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आधार कार्ड। नाइन्थ डॉक्यूमेंट है यहाँ पर फोटो यहाँ पर बायर का देना पड़ेगा। टेंथ डॉक्यूमेंट है यहाँ पर चेसिस एंड इंजन पेंसिल प्रिंट, इसे लेने का तरीका ये है कि गाड़ी पर जहाँ चेसिस या इंजन नंबर लिखा हुआ है उसके ऊपर एक पेपर रखेंगे और उसके ऊपर पेंसिल फेरेंगे तो इस तरह से नंबर उभर कर सामने आएंगे। 11 डॉक्यूमेंट है यहाँ पर टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है, जो प्राइवेट पर्सनल व्हीकल्स है उनके लिए इसकी जरूरत नहीं है। और 12th डॉक्यूमेंट है यहाँ पर NOC, अगर ऑनरशिप किसी दूसरी स्टेट में ट्रांसफर की जा रही है तब ये NOC रजिस्ट्रार अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो अब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ब्राउजर में टाइप करेंगे parivahan.gov.in, नीचे स्क्रॉल करेंगे, व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज में दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, या नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेसिस नंबर डालेंगे, लास्ट 5 डिजिट्स आपको डालने हैं और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ जेनरेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ डालकर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप आपको चेकमार्क करना है, यहाँ पर ऑनर की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, नीचे यहाँ पर न्यू ऑनर की डिटेल्स देंगे, सबसे पहले पर्पस, ट्रांसफर करने का पर्पस क्या है, इसमें आप सेल चूज करेंगे, यहाँ पर ऑनर सीरियल ऑटोमेटिक आ जाएगा, सेकंड ऑनर का नेम आप यहाँ पर देंगे, ऑनरशिप टाइप यहाँ पर इंडिविजुअल, यहाँ पर ऑनर के फादर का नाम आप देंगे, ऑनर की कैटेगरी आप यहाँ पर चूज करेंगे, जनरल, OBC, SC, ST, यहाँ पर आप सेल अमाउंट डालेंगे, कितने रुपए में आप ये गाड़ी बेच रहे हैं।
यहाँ पर सेल डेट डालेंगे। यहाँ पर आपको न्यू बायर का मोबाइल नंबर डालना होगा, क्योंकि बाद में जब लॉगिन करेगा तो उसी के मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया करेगा। यहाँ पर बायर का करंट एड्रेस डालना है। अगर करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ सेम एज करंट पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर इंश्योरेंस डिटेल्स देनी होगी, किस तरह का इंश्योरेंस है, किस कंपनी से है वो यहाँ पर चूज करेंगे। यहाँ पर पॉलिसी नंबर डालेंगे, यहाँ पर इंश्योरेंस की डेट डालेंगे, इंश्योरेंस कब तक है ये डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। नीचे आएंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, आप ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पर फीस आ जाएगी, आपको 150 रुपीज यहाँ पर पे करने होंगे। सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर अच्छी तरह से चेक कर लेनी है और उसके बाद पेमेंट पर क्लिक करना है। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद न्यू ऑनर की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, आप इसको चेक कर लीजिए। इसके बाद कंफर्म डिटेल पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको पेमेंट करना है, पेमेंट गेटवे चूज करेंगे SBI। यहाँ पर टर्म और कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपने यहाँ पर एक बार पेमेंट कर दिया और उसके बाद अगर आप अपनी एप्लीकेशन कैंसिल करेंगे तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आप नेट बैंकिंग से पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर डेबिट कार्ड से करेंगे, कंफर्म करेंगे, यहाँ फिर से कंफर्म करेंगे। यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर का नेम और CVV डालेंगे। यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और पे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक स्लिप मिलेगी, आपको वो स्लिप प्रिंट कर लेनी है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। पेमेंट स्लिप के साथ आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर लेने हैं और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर अपने RTO में सबमिट कर देना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाकर RTO में जमा करने हैं। एप्लीकेशन जमा करने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि आप अपने व्हीकल की ऑनरशिप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।